हमारे नेक्स्ट वीडियो में आए सरकार इनसे मोटिवेशन लेके इनसे पॉजिटिविटी लेके हमें आगे की तरफ बढ़ना है एंड सर माहौल के साथ पढ़ाई करनी साहब आइए हम बात शुरू करते हैं कि सर जीएसटी का अगला पड़ाव सबसे पहली बात अब तक हमने बात कर ली क्या गवर्नमेंट कौन हम लोग टैक्सेस क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है एंड हाउ द टैक्सेस आर कलेक्टेड सारे लॉज किसने बनाया हमने बनाया अमेंडमेंट कैसे होते हैं एंड सर कैसे उसको समझा जाता है सेकेंड थिंग फिर हमने बात करना साहब इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सर पुराने लोज में क्या तकलीफ थी क्या रखू था जिसकी वजह से नए लोग लाना पड़ा हमने 10 का क्रेडिट क्यों मिला वहां से पढ़ा पढ़ना शुरू किया वेट क्रेडिट हमने पढ़ा एंड देन हम आगे कहां पर जीएसटी में कि सर यह तकलीफें थी इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन फ्लो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था इसलिए जीएसटी लाया गया एंड सर हमने बात करी कि जीएसटी अगर लाएंगे तो उसका रेवेन्यू डिवाइड कर दिया डिवाइड बाय टू कर दिया हर ट्रांजेक्शन पे जो भी इंट्रा स्टेट के ट्रांजेक्शन होते हैं क्लियर अब सर हर स्टेट का एसजीएसटी अलग होगा तो सर जितने भी स्टेट इंडिया में है हमने बात करी थी सर ट्वेंटी एट स्टेट प्लस थ्री यूनियन टेरेटरी जिनका अपना अपना स्टेट है मतलब उनका हर एक का स्टेट गवर्नमेंट अलग बना मतलब स्टेट लेजिस्लेचर अलग बना हुआ उनका कानून अलग बना हुआ जैसे दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर वहां का एस एक्ट अलग बना हुआ है मतलब टोटल टो एक्ट जैसे राजस्थान में राजस्थान एस एक्ट मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश जी एस एक्ट महाराष्ट्र एस एक्ट गुजरात जीएसटी एक्ट क्लियर हर स्टेट के अलग अलग एक्ट बने हुए हैं पर सी जी एस टी एक्ट में जो लिखा है वही एब्सोल्युटली सारे एस जी एस टी एक्ट में भी लिखा है और सर इन सारे एक्ट को एक साथ लेके चलेगा कौन जीएसटी काउंसिल जिसके बारे में हमने बात करी थी क्लियर समझे मेरी बात ओके okay. और बाकी की जो यूनियन टेरिटरी बची वहां पर एक एक्ट चलेगा साहब यूटी जीएसटी एक्ट जिसके अंदर वही लिखा है कि सारे प्रोविजन सीजीएसटी के हमारे यहाँ पे भी अप्लाई होने वाले हैं क्लियर मतलब अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो सारे एसजीएसटी एक्ट भी आपको आते हैं और यूटी जीएसटी में कोई खास बात अलग से लिखी नहीं है क्लियर अब आ रहा है क्या सर आईजीएसटी एक्ट और जीएसटी कंपन जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि क्या अगले लेक्चर में बात करेंगे आ गए हम अगले लेक्चर के लिए ओके तो सरकार पहले बात करेंगे ये आईजीएसटी एक्ट का लफड़ा क्या है सर समझना पिक्चर को ध्यान से क्या <coughs> लिखता हूं मस्त इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स सर आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है इंटीग्रेटेड चलिए वापस लेते सर सर इंटीग्रेटेड जीएसटी आई जीएसटी का फुल फॉर्म है <coughs> अभी क्या होता मालिक समझने की कोशिश करना सर मान लो एक मस्त ट्रांजेक्शन लेते एक मस्त कहानी पड़ता है सर उससे आपको समझ में आएगा आईजीएसटी एक, एक क्या होता है और किस तरह से गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ सर गवर्नमेंट को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी या क्या होगा सर ध्यान समझना मस्त पॉइंट है सर ओके सर मान लो मैं हूं महाराष्ट्र में सर मैंने कोई गुड्स मैनुफैक्चर किया मैं हूं महाराष्ट्र में सर महाराष्ट्र के मान लो मिस्टर एम ने कोई गुड्स बनाया और उसने वो गुड्स बेच दिया महाराष्ट्र के मिस्टर एच को ओके <coughs> okay, सर गुड्स महाराष्ट्र में बना महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल हुआ क्लियर ओके सर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल हुआ इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या बोलते हैं मालिक और अच्छी राइटिंग लिखो बेटा में इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई सर मैंने महाराष्ट्र से गुड्स महाराष्ट्र में ही बेचा है महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने महाराष्ट्र के मिस्टर एच को गुड्स बेचा है मान लो रुपीज सर एक्स वाई जेड अमाउंट में उसने गुड्स बेचा क्लियर सर अब उस पर सिन से इंटरेस्टेड सप्लाई था उस पर जीएसटी लगेगा मान लो अच्छा जीएसटी लगेगा कौन सा सी जीएसटी और एसजीएसटी जितना सी जीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा सर सीजीएसटी लगा कितना मान लो मान लो फॉर एग्जाम्पल अमाउंट लेते हैं हम सर तो ही क्या होगा एस जीएसटी अच्छा अब क्या क्या होगा साहब समझना अच्छे से मस्त होकर पढ़ना सर मस्त पॉइंट ये समझ में आया तो एक बहुत ही शानदार फंडा आपको समझ में आएगा जीएसटी का, का. महाराष्ट्र के एच से महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने जो वैल्यू ऑफ गुड्स होगी एक्सप्रा जो अमाउंट जीएसटी के अमाउंट की बात करें साहब दो लाख रुपए जीएसटी अमाउंट लिया होगा इसमें वन लाख रुपए सी जीएसटी है तो वन लाख रुपए मिस्टर एम ने महाराष्ट्र वन लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया होगा जो सीजीएसटी का अमाउंट है और वन लाख रुपए जो है वो किसको दिया होगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को दिया होगा तो सर मिस्टर एम ने एच से दो लाख रुपए जीएसटी लिया आउट ऑफ दैट रूपीज टू लैख वन लाख टू सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर एंड वन इज पेड टू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बैंक अकाउंट से पे होता है साहब क्लियर आप जब जीएसटी पोर्टल की बात करेंगे वहां लॉग इन करेंगे जब आप टैक्स पे करते हो ना साहब तो वहां पर टैक्स का अमाउंट लिखते होगी इतना मोन्ड मेको सी जीएसटी पे करना है इतना एस जीएसटी पे करना है सब और उतना जब आप पे करते हो तो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाता है <coughs> क्लियर ओके okay, अब सर वन लाख रुपया आपने दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को लाख आपने दिया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को सर किसने दिया मिस्टर एम ने क्लियर किसको दिया गवर्नमेंट को दिया ओके okay, अभी मिस्टर एच जो है भाई साहब इन्होंने इन गुड्स को फर्दर अगेन महाराष्ट्र के मिस्टर आर को बेचा महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने इन गुड्स को महाराष्ट्र के मिस्टर आर को बेचा अगेन ये क्या हो गया भाई इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन हुआ सर ये क्लियर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ अगेन क्या लगेगा सी और एस जी एस टी लगेगा साहब मान लो जो भी प्राइस में इसने बेचा उस पर जीएसटी था कितना थ्री लाख रुपए मतलब वन लाख रुपए वन फिफ्टी थाउजेंड क्या हो गया सर

जब सी पे क्या होगा तो वन लेख का सी जी एस टी का आई मिला होगा सर उसको क्लियर वन लेख का सी का आई वो यूज करेगा वन फिफ्टी का सीजीएसटी का लाइब्रिटी पे करने के लिए तो सर वन लेख का उसने सी जीएसटी का आईटीसी यूज किया क्लियर और रिमेनिंग फिफ्टी थाउजेंड उसने पे कर दिया होगा सर अरे क्लियर अपने जीएसटी पोर्टल पे जब रिटर्न फाइल करता है ना बेटा आप धीरे धीरे जीएसटी में समझोगे जीएसटी का ऑनलाइन गवर्नमेंट का पोर्टल बना हुआ है वहां जाएंगे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड हर एक एस का अलग दिया होता है हर एक टैक्स पेयर का अलग दिया होता है करेगा उसमें लिखेगा वन की मेरी लाइब्रीडी है सर सी की वन की एस की की है क्रेडिट मेरे पास वन लेख वन लेख का ऑलरेडी है क्लियर आई वो यूज करेगा और रिमेनिंग फिफ्टी और पे कर देगा बैंक अकाउंट के थ्रू और वो पचास हजार जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में और इधर लेख वन लेख का एसजीएसटी का टी सी यूज किया और रिमेनिंग फिफ्टी थाउजेंड उसने पे कर दिया होगा अब रिमेनिंग फिफ्टी थाउजेंड जो पे किया होगा किसको पे किया होगा सर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे किया होगा साहब क्लियर ओके अब सर अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया वन फिफ्टी थाउजेंड एंड सर स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया कितना वन लेख फिफ्टी थाउजेंड रेवेन्यू ओके okay, अभी गुड्स का है साहब महाराष्ट्र के मिस्टर आर के पास कहानी अभी सर बाकी है भाई सर महाराष्ट्र के मिस्टर आर ने क्या किया कि सर महाराष्ट्र के मिस्टर आर ने इन गुड्स को फर्दर आगे सेल किया किसको गुजरात के मिस्टर जी को महाराष्ट्र के आर ने गुजरात के जीव को गुड्स बेचा सर जब महाराष्ट्र से गुड्स गुजरात गई सिंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट गई इसलिए इसको बोलते हैं क्या इंटर स्टेट सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई वन स्टेट टू अनदर स्टेट गुड्स गया सर इंटर स्टेट सप्लाई अगर होगा तो सबसे पहली बात अब सर अगर सी जीएसटी और एसजीएसटी अगर लगा देंगे तो एस जी एस टी किसका रेवेन्यू होगा महाराष्ट्र का होगा कि गुजरात का होगा किसको रेवेन्यू देंगे साहब झगड़ा हो जाएगा ना यार कि महाराष्ट्र स्टेट से गुड्स का गया है गुजरात स्टेट अब सर सी जी एस टी और एसजीएसटी लगाएंगे तो कौन सा एसजीएसटी लगाएंगे मारी भाई सबसे मेरी बात सर इसलिए झगड़ा हो जाएगा इसलिए गवर्नमेंट वाला झगड़ा नहीं करने का हमारे पास आओ हमारे पास सारे सॉल्यूशन है एंड गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया अगर कभी भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो सर ऐसे केस में आईजीएसटी लगाना पड़ेगा क्या लगाना होगा आईजीएसटी आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अभी धीरे धीरे होले होले हो बात करेंगे सर और सर आईजीएसटी की रेट कितनी होगी जो सी की रेट होगी प्लस एस की रेट इंटीग्रेट कर दो सर मान लो सी कितना फॉर एग्जाम्पल के लिए सी जीएसटी नाइन परसेंट एस जीएसटी आई जीएसटी होगा कितना बेटा एटीन परसेंट क्लियर सर इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब 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 इसका आगे सिस्टम हम समझ रहे हैं सर सर लगा दो साहब सर्विस मान लो टोटल टैक्स कितना फोर लाख रूपये ओके साहब महाराष्ट्र के आर ने गुजरात के जी को गुड्स बेचा गुजरात के जी को जो गुड्स बेचा वो कितने में बेचा सर सर जो भी वैल्यू थी उस पर आई जी था कितना फोर लाख रुपए क्लियर अब फोर लाख रुपए आई लिया होगा किसने मिस्टर आर ने किससे गुजरात के मिस्टर जी से महाराष्ट्र के आर ने गुजरात के जी को गुड्स बेचा उससे वैल्यू प्लस फोर लाख रुपए आईजीएसटी ले लिया अब बात को समझने की कोशिश करना अब ये आईजीएसटी की लाइबिलिटी इंडायरेक्ट टैक्स है कस्टमर मिस्टर जी से सर आर ने

आर ने जी से फोर लाख रुपए आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा अब रुपए वो गवर्नमेंट को पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा अब सर क्वेश्चन आर ने जब वो गुड्स परचेज किया था उसके परचेज पे उसने 150 सीजीएसटी पे, पे किया हुआ है मतलब टोटल तीन लाख रुपए जीएसटी पे किया हुआ साहब क्या वो क्रेडिट ई की लाइबिलिटी को पे करने में सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट काम आएगा कि नहीं आ पाएगा अगर सर क्रेडिट काम नहीं आता आप सोच देखना सर अगर ये क्रेडिट काम नहीं आएगा वो थ्री लेख का जो 150 फिफ्टी सी जी पे किया 150 फिफ्टी एसजीएसटी पे किया अगर वो काम नहीं आए तो, तो सर वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की तो बैंड बच जाए सर वरना इंटरस्टेट परचेज किया तो जो पर्सन बेच रहा है उसकी आई जी एस टी की लाइबिलिटी है और उसको सी जी एस टी और एस जी एस टी परचेज किया हुआ उसने उसका क्रेडिट है वो क्रेडिट यूज नहीं करने दे तो तो नुकसान हो जाएगा ना यार इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है आई जीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए सी जी एस टी का क्रेडिट हो या एस जी एस टी का क्रेडिट हो काम आएगा कोई टेंशन नहीं है इसीलिए सर वन नेशन वन टैक्स सक्सेसफुल हो पाएगा वरना सक्सेसफुल की बात आती ही नहीं क्लियर तो क्या किया साहब सर मिस्टर आर ने परचेज ऑफ गुड्स पर सीजीएसटी और एसजीएसटी वन फिफ्टी वन फिफ्टी वन फिफ्टी पे क्या था तो सर वन लेख फिफ्टी थाउजेंड का सी जीएसटी आईटीसी यूज वन लेख फिफ्टी थाउजेंड का एसजीएसटी आईटीसी यूज रिमेनिंग कितना बचा बैठा सर वन लेख की लाइब्रेडी बच गई ये वन लेख इसने पे कर दिया अपने बैंक अकाउंट से पे कर दिया गवर्नमेंट को अब सर समझना बात को ध्यान से अब सर आई जीएसटी को पे करने के लिए आई जीएसटी को पे करने के लिए वन लेख फिफ्टी थाउजेंड का सी जीएसटी का आईटीसी काम आया वन फिफ्टी थाउजेंड का एस जीएसटी का आई काम आया और रिमेनिंग वन ले तो उसने पे किया है साहब तो एक तरह से आईजीएसटी के अकाउंट में गया तो पैसा वन ही है अब सर 150 का सी का क्रेडिट काम आया 150 का एस का क्रेडिट काम आया सर तो वहां गवर्नमेंट ने एक सेक्शन रखा वहां ये बोला हुआ है क्या कि आई जीएसटी को पे करने के लिए अगर क्रेडिट का काम आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सी जी अकाउंट से उतना पैसा निकाल के आई जीएसटी अकाउंट में गवर्नमेंट डालेगी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी साहब अपने सी का जो अकाउंट था जिसमें हमने 150 किया था हां ना वन लाख रुपये यहाँ पे पे किया था हमने पचास हजार जो पड़ा था सीजीएसटी अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में वन लेख फिफ्टी थाउजेंड रुपये फंड पड़ा था सर वन लेख तो यहां से गया था फिफ्टी थाउजेंड यहां और पे कर दिया था वन फिफ्टी स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा गया था हमने महाराष्ट्र को बोला भाई साहब 150 मिला था क्या बोला हाँ मिला था सर वापस लाइए एंड सर सिंस आपका वो क्रेडिट कहा आई जी एस टी की लाइबिटी को पे करने के लिए तो वो अकाउंट में जाएगा कहां पर आई जी एस टी अकाउंट में तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी अपने फंड से अपने फंड से पैसा निकालेगी एंड सर एस जी एस टी अकाउंट से पैसा निकाल के आई जी एस टी अकाउंट में डालेंगे सर एंड अब आई जी एस टीका अकाउंट में ध्यान से देखना वन फिफ्टी तो आ गया कहां से सेंट्रल गवर्नमेंट के से से आ गया स्टेट गवर्नमेंट के से और वन आ गया कहां से टैक्स ने खुद ने ही पे किया क्लियर तो टोटल चार लाख रुपए जमा हो गया कहा पर आई जीएसटी अकाउंट में तो आई जी एस अकाउंट में फंड कितना बेटा फोर लैख सी जीएसटी अकाउंट में इस एग्जाम्पल के थ्रू गया पैसा कितना जीरो क्योंकि वन फिफ्टी गया।, गया था वापस वन फिफ्टी निकल गया इधर एस जी अकाउंट में कितना गया था वन फिफ्टी वापस निकल गया आई जी में चला गया तो सर सारा का सारा टैक्स कितना है भाई फोर लेख ये पूरा फोर लेख कहा है आई जी एस टी अकाउंट में है सी जी एस टी में जीरो है एस जीएसटी में जीरो तो अभी आई जी एस टी अकाउंट में बेटा क्लियर तो शायद आपको समझ में आ रहा है ये आई जी एस टी अकाउंट में चार लाख रुपए चला गया अब आगे क्या होगा कहानी देखना ध्यान से अभी पिक्चर मेरे पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त सर बहुत अच्छे से समझो सर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर इसके थ्रू आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा जीएसटी का सिस्टम का अब साहब ये गुजरात के जी ने क्या किया आगे वो भी कल कहानी नियम आगे बात गुजरात के जी ने क्या किया साहब इस गुड्स को राजस्थान के जे को बेच दिया गुजरात के जी ने इन गुड्स को राजस्थान के जे को बेच दिया सर अगेन गुड्स गुड्स क्या कहा से गुजरात से राजस्थान गया है तो ये क्या है अगेन इंटर स्टेट एंड वंस इट इज इंटर स्टेट अगेन क्या लगेगा

परचेज पे अगर आईजीएसटी पे किया हुआ है सेल पे आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो सर परचेज पे जो आईजीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए आंसर इसने जो 4 लाख रुपए परचेस पे पे किया था वो पूरा 4 लाख का आईजीएसटी का आईटीसी अवेल करके उसको यूज कर लिया और रिमेनिंग 1 लाख क्या कर दिया भाई साहब ने पेमेंट कर दिया समझना बात को ध्यान से तो आईजीएसटी के अकाउंट में चार लाख ऑलरेडी थे उस चार लाख के क्रेडिट को यूज किया आईजीएसटी को पे करने के लिए तो इधर उधर फंड ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं है बस वन लाख जो इसने पे किया वो डायरेक्ट आईजीएसटी अकाउंट में गया और वन लाख रुपए आई अकाउंट में अगर चला गया तो टोटल अमाउंट आईजीएसटी अकाउंट में कितना हो गया भाई फाइव लाख रुपये हो गया कितना हो गया मालिक फाइव लाख अब ये फाइव लाख रूप कहा है आईजीएसटी अकाउंट में सर क्लियर डन गुड्स कहां पहुंच गया राजस्थान के जे के पास जो पूरा टैक्स था अब तक का होता लाख लाख रुपए पूरा आई आईजीएसटी अकाउंट में अब बात को समझना अच्छे से मतलब आईजीएसटी की लाइब्रेडी को पे करने के लिए ध्यान देना बेटा आईजीएसटी की लाइब्रेडी को पे करने के लिए आईजीएसटी का आईटीसी तो काम आता ही आता है सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी आईटीसी काम आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर क्लियर हां सी जीएसटी का क्रेडिट एस जीएसटी में काम नहीं आता है एस जीएसटी का क्रेडिट सी में काम नहीं आता है पर सर सी हो एस हो या आई हो इन सब का क्रेडिट आई जीएसटी के लिए काम आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है आई जी एस टी एक तरह से यूनिवर्सल ब्लड है सर आई जीएसटी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ब्लड है सर आप इसको खून दे भी सकते हो इसे खून ले भी सकते हो सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर क्लियर अब आगे बात करते हैं सर राजस्थान के आर ने क्या किया आगे वो देख लीजिए भाई राजस्थान के जे ने सॉरी राजस्थान के जे ने राजस्थान के ही मिस्टर वाई को ये गुड्स बेच दिया राजस्थान के मिस्टर जे ने राजस्थान के मिस्टर वाई को गुड्स बेच दिया आप बताओ इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है बोलिए सर आप सर बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रहा हूं आप ये मत समझिए कि वीडियो क्लासेस सुन नहीं रहा हूं मैं सुन रहा हूं आपके दिल से मेरा दिल जुड़ा हुआ है टेंशन मत लीजिए सर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और सर माहौल के साथ पढ़ाई करिए और मुझे आंसर दीजिए सर सर राजस्थान के जे ने राजस्थान के वाई को गुड्स बेचा है क्या है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई बिल्कुल सही जवाब क्लियर सर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है फ्रॉम मिस्टर टू मिस्टर वाई। मिस्टर जे ने गुड्स भेज दिया मिस्टर वाई को राजस्थान से राजस्थान में इंट्रा सेट सप्लाई है क्या लगेगा मेरे मालिक? सीजीएसटी और राजस्थान का एसजीएसटी बेटा क्लियर सर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए सर सिक्स लेक वॉज दी लाइबिलिटी सिक्स लेक वॉज दी लाइबिलिटी उसमें फिफ्टी परसेंट थ्री लेक इज दी जी एस टी का लाइब्रिटी थ्री लेक इज द एस जी एस टी का लाइब्रिटी एस जीएसटी राजस्थान एस जी एस टी बेटा के जे ने जब गुड्स बेचा राजस्थान के वाई को उस पर बिल बनाया होगा सब टैक्स इनवॉइस बनाया होगा वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस सी जी एस टी थ्री लेख एस जी एस टी राजस्थान एस जी एस टी थ्री लेख ये लेके अमाउंट ले लिया होगा अब सर जे राजस्थान का मिस्टर जे जब ये टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को उसने परचेस पे रुपए आईजीएसटी पे किया हुआ है इंटरस्टेट परचेस पर क्वेश्चन ये आता है कि इंटरस्टेट परचेज अगर आपने आईजीएसटी पे किया और आपकी लाइबिलिटी अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी की आती है तो क्या वो आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा बिल्कुल काम आएगा कोई दिक्कत नहीं है अभी अभी बात करी ये, है सर क्लियर यह सब में काम आएगा साहब वरना इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन फ्लॉप हो जाती सर है हाँ ना इंटर स्टेट लोग परचेज नहीं करते सर इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपकी आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए आईजीएसटी भी काम आता है सी का क्रेडिट भी काम आता है एस का क्रेडिट भी काम आता है सेम वे सी हो या एस हो इनकी लाइबिलिटी को पे करने के लिए सर आई का आई भी काम आता है कोई प्रॉब्लम नहीं साहब क्लियर अब सर आप चाहो तो पहले अब अपने पास आई कितना है फाइव लेख का अब फाइव लेक का आई है आप चाहो तो दोनों के लिए आता था यूज कर लो आप चाहो तो तीन लाख रुपए पहले सी के लिए यूज कर लो बात यही की सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखो ध्यान से तो क्या किया राजस्थान के जे ने वाय से थ्री लाख रुपए सी जी थ्री लाख रुपए एस जीएसटी ले लिया अब जब गवर्नमेंट को पे करने जा रहा है तब पांच लाख रुपए का आई का पास इसने उस पांच लाख में से तीन लाख रुपए पूरा ही आई टी का आईटीसी यूज कर लिया क्लियर कुछ पे करना ही नहीं पड़ा है सर सीजीएसटी में तो इसको सर, निल पेमेंट। इधर अब साहब जब एस पे करने जाएगा तब <coughs> सिंस इसके पास क्रेडिट था ही का में से थ्री तो इसने ऑलरेडी यूज कर लिया रिमेनिंग आईटीसी कितना बचा होगा भाई इसके पास ओनली टू लेख तो टू लेख रुपए इसने क्या किया होगा भाई टू लेख का आईजीएसटी का आईटीसी इसने यूज किया होगा एस का थ्री लेख का लाइबिलिटी पे करने के लिए एंड रिमेनिंग वन लेख इसने पे कर दिया होगा क्लियर डन अब सर रिमेनिंग वन लैक जो पे किया स्टेट गवर्नमेंट को पे किया सर अब मेरी बात को समझना कैसे ट्रांजेक्शन फ्लो होगा सर इसके अंदर सर फंड्स फंड्स थे क्या funds थे सर फाइव लाख रुपए पड़े थे कहां पर आईजीएसटी अकाउंट में सर हमने जब टैक्स पे किया होगा तब फाइव लाख रुपए आईजीएसटी पे किया हुआ है फाइव लाख रुपए जो आईजीएसटी पे किया हुआ है दैट आईजीएसटी का आईटीसी आपने यूज तो किया बट

आईजीएसटी का फंड रहेगा कितना टू लाख रुपए अभी टू लाख भी हमने आईजीएसटी का आईटीसी यूज किया हमने किसके लिए सर एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए एसजीएसटी कौन सा राजस्थान एसजीएसटी अब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को थ्री लाख रुपए हमने को पे करने थे तो हमने बोला कि दो लाख रुपए तो हमने आईजीएसटी में ऑलरेडी पे कर रखे उसका हमने क्रेडिट यूज कर लिया रिमेनिंग हमने पे कर दिया तो वन लेख तो हमने पे कर दिया एस जी अकाउंट में टू लाख रूपये कहा से आएगा आई जी अकाउंट से कहा जाएगा राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के एस जीएसटी अकाउंट में जाएगा क्लियर ये गवर्नमेंट एक्ट में सेक्शन बना रखा है और वहां लिखा है आई जीएसटी अकाउंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा उस स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जिस स्टेट गवर्नमेंट की लाइब्रेड को पे करने के लिए आईजीएसटी का आईटीसी काम आया था तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का एस पे करने के लिए आईजीएसटी का आईटीसी कितना काम आया टू लाख रुपए काम आया तो टू लाख आईजीएसटी अकाउंट से निकलेगा और कहा जाएगा राजस्थान एसजीएसटी अकाउंट में जाएगा अब टू लेख आई जी एस टी से निकल के राजस्थान एसजीएसटी पहुंच गया और वन लेख हमने पे किया था तो अल्टीमेटली राजस्थान एसजीएसटी के पास तीन लाख रुपए पहुंच गया तीन लाख रुपए कहां पहुंच गया सेंट्रल गवर्नमेंट के सी अकाउंट में अब आई जीएसटी अकाउंट में पैसा कितना बेटा लड्डू जीरो क्लियर तो सर अब का है थ्री लाख रुपए जीएसटी में थ्री लाख रुपए राजस्थान एस में आई में जीरो गुजरात गवर्नमेंट के पास जीरो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास जीरो अब मान लो सर ये हमारे भाई साहब राजस्थान के वाय कौन है मान लो राजस्थान के वाय द एंड कंज्यूमर सर ये आगे फर्दर गुड्स को सप्लाई नहीं कर रहे ये खुद अपने एंड यूज में अपने घर के लिए गुड्स को काम ले रहे साहब अपने पर्सनल यूज में काम ले रहे अब इनको आईटीसी वगैरह तो कुछ मिलता नहीं साहब मतलब अल्टीमेटली कहानी ओवर क्लियर अब बात को समझिएगा सर <coughs> अब बात को समझना साहब सर पहली बात तो ये कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है आपको समझ में आ गया सर क्लियर इसको लगाने के लिए आईजीएसटी एक्ट अलग से बनाया सर अपने लिए तो एक समझना यहां पे मैंने बात शुरू करी थी <coughs> गुड्स बना था महाराष्ट्र में महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल हुआ था वहां से सर महाराष्ट्र में मना था महाराष्ट्र महाराष्ट्र में सेल हुआ वहां से फिर वापस महाराष्ट्र में सेल हुआ गुड्स महाराष्ट्र से निकला और कहा गया गुजरात गुजरात से कहा गया राजस्थान और राजस्थान में वो कंज्यूम हो गया मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर की पॉकेट से जीएसटी कितना गया सिक्स लाख रुपये ये रहा अल्टीमेटली ये सिक्स लाख में से फिफ्टी परसेंट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सी जी एस टी फिफ्टी परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिला भाई राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को और सर ये जैसे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को थ्री लाख रुपये मिला उसके बाद दिस मिस्टर वाह एंड कंज्यूमर अब फर्दर इसने कोई क्रेडिट ली नहीं होगी इसने कोई आगे पास ऑन नहीं किया होगा और फर्दर गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू आगे पास ऑन नहीं हुआ होगा तो अल्टीमेटली गुड्स का रेवेन्यू जो टैक्स का रेवेन्यू था स्टेट गवर्नमेंट के, ले, के लेवल की बात करें तो थ्री लाख रुपए रहेगा कहां पर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के पास आप मुझे बताओ गुजरात गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के एस 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 जीएसटी अकाउंट में कोई फंड आया नहीं आया महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कुछ फंड आया था हाँ आया था पर सर जब हमने आई जी एस टी की लाइब्रिटी को पे किया था पूरा एस जी एस टी जो वन फिफ्टी का था उसको हमने यूज कर लिया था और वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसा निकाल के सर आई जी एस टी अकाउंट में बना दिया था मतलब महाराष्ट्र स्टेट को भी मिला कितना लड्डू जीरो कुछ भी नहीं मिला तो सर गुड्स बना महाराष्ट्र में निकल के गया गुजरात और गुजरात से कहा गया राजस्थान आप मुझे बताओ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू मिला क्या नहीं गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू मिला क्या नहीं अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिला है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को मतलब जीएसटी के अंदर आईजीएसटी के थ्रू ऐसा इन्होंने फंड रोटेट किया कि अल्टीमेटली सर रेवेन्यू जो रहता है वो किसके पास रहता है जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हुआ गुड्स और ये एग्जांपल मैंने गुड्स का दिया सर्विसेज का भी हो सकता है सर अल्टीमेटली वो गुड्स और सर्विसेज कहां कंज्यूम हुई वो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू रहता है अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं तो क्लियर तो सर आप इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन तो होते ही होते साहब क्लियर तो सर इसका मतलब ये हो गया कि जिन स्टेट गवर्नमेंट्स का जिन स्टेट गवर्नमेंट्स का कंज्यूमर बेस बड़ा है जहां पे बहुत सारे कंज्यूमर है साहब पॉपुलेशन ज्यादा है जहां पे लोग सर एंड कंज्यूमर बहुत सारे रहते हैं सर वहां पर उस स्टेट गवर्नमेंट को सर हमेशा सर जीएसटी का रेवेन्यू का फायदा हमेशा होगा क्योंकि सर जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है अल्टीमेटली उस स्टेट को रेवेन्यू मिल रहा है सर गुड्स बनाया है किसने महाराष्ट्र उसको क्या मिला सर एस जी एस टी अकाउंट में तो कुछ भी नहीं मिला उसको अगर वो गुड्स निकल के बाहर आ गया उसके स्टेट से बाहर और दूसरे स्टेट में गया इसलिए सर जो स्टेट केवल मैन्युफैक्चर कर रहे वहां कंज्यूम अगर नहीं हो रहा तो उसका एस जीएसटी का रेवेन्यू वहां नहीं मिल रहा उस स्टेट गवर्नमेंट को हां वहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वहां के दो लोगों की इनकम बढ़ रही है वो एक अलग बात है सर पर एस जीएसटी की बात करें तो उस स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है अल्टीमेटली गुड्स जहां कंज्यूम हो रहा है जहां अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनेशन था उस स्टेट को रेवेन्यू मिला है इसलिए सर जीएसटी को अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिला बेटा उस स्टेट को मिला जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है इसलिए जीएसटी को मस्त नाम बताता हूं मैं आपको सर पिंक कलर से देखते सर मजा आएगा आपको इसलिए जीएसटी को बोलते हैं क्या Destination based consumption tax. डेस्टिनेशन बेस्ड कंजुम्शन टैक्स बोलते हैं किसको जीएसटी को क्यों क्योंकि अल्टीमेटली उन गुड्स का जो डेस्टिनेशन था अल्टीमेटली गुड्स का जो डेस्टिनी था अल्टीमेटली गुड्स जहां कंज्यूम हो रहे हैं उस स्टेट को रेवेन्यू मिल रहा है उस स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है नो डाउट फिफ्टी परसेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना ही मिलना है पर रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है जहां गुड्स कंज्यूम हुआ है हाँ, गुड्स महाराष्ट्र में मन महाराष्ट्र में कंज्यूम हुई थी तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता गुजरात स्टेट में कंज्यूम होती तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता सर इस एग्जांपल में गुड्स कंज्यूमिंग कहां राजस्थान में तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को ए जीएसटी का रेवेन्यू मिलेगा इसलिए जो गुड्स का अल्टीमेटली डेस्टिनेशन है जो कंजम्पशन जहां पे हो रहा है उस वहीं पे रेवेन्यू मिल रहा है इसलिए इस जीएसटी को बोलते हैं क्या डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स शायद बात आपकी मेरी आ, मेरी बात आपके दिमाग में और दिल में पहुंच रही है सर क्लियर डन तो सर जीएसटी जब नया नया आ रहा था सर जीएसटी आने के जब सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर बातें कर करी थे कि जीएसटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए हमारे को फायदा होगा कि नुकसान होगा तो जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादा है कंज्यूमर बेस कम है सर वो सब नाराज हो गए बोला हम तो जीएसटी नहीं मानेंगे साहब हमको जीएसटी नहीं चाहिए हमारे तो पुराने लो ठीक है क्योंकि वेट लो के अंदर ऐसा नहीं होता था वेट लो के अंदर सर आपको पता है अगर इंटर स्टेट सेल होता था तो उस पर लगता था क्या सी एस टी और सी एस टी का क्रेडिट कस्टमर को नहीं मिलता था तो वो जो रेवेन्यू हुआ करती थी वेट की और स्टेट गवर्नमेंट की वेट uh, की रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की वो उसी स्टेट में रह जाती थी क्योंकि सी एस टी का क्रेडिट कस्टमर को नहीं मिलता था इंटर स्टेट सेल करने पर इसलिए पहले प्री जीएसटी रिजिम में मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट को उन स्टेट गवर्नमेंट को वेट का रेवेन्यू ज्यादा मिलता था और सर अगर जीएसटी आ गया तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का रेवेन्यू कम हो जाएगा और कंज्यूमर बेस्ड स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ जाएगा सर वक्त बदलते टाइम नहीं लगता साहब किस्मत बदल गई बिफोर जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स फायदे में रहते थे हमेशा स्टेट टैक्स के अंदर पर सर जैसे ही जीएसटी आएगा किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता कहते ना साहब तो कंज्यूमर स्टेट को रेवेन्यू मिलने लग गया मैन्युफैक्चरिंग स्टेट का रेवेन्यू कम हो गया तो मार्केट तो गया तेल लेने सर वी डोंट केयर वी डोंट वरी इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोला चिंता ना करे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला चिंता ना करे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थे उनको बोला कि अगर जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद अगर जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद आपको अगर रेवेन्यू का लॉस हुआ तो ऐसे केस में उन सारे स्टेट्स को प्रॉमिस किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम आपकी रेवेन्यू को कंपनसेट करेंगे और वो कंपनसेट करने के लिए पैसा कहां से लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट साहब बोला क्या सर आपका 2016-17 का सॉरी 2015-16 का जो वेट का रेवेन्यू होगा मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं बेटा आपको सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सबने मिलकर क्या डिसाइड किया कि 2015-16 का जो वेट का रेवेन्यू था हर स्टेट गवर्नमेंट का उसको कंपेयर करेंगे एस जीएसटी के रेवेन्यू से कि भाई साल भर में आपका एस जीएसटी का रेवेन्यू कितना हुआ और अगर जीएसटी नहीं होता वेट होता तो क्या रेवेन्यू होता आपका तो पंद्रह सोलह की जो वेट की रेवेन्यू थी उसको बेस ईयर मान लिया और हर साल 14 जैसे भाई महंगाई बढ़ती ना ऐसे ही 14 परसेंट आपकी रेवेन्यू हर साल बढ़ेगी इंक्रीमेंटल फॉर्म में तो सर जो 15 16 का वेट का रेवेन्यू था उसमें 14 हर साल रेवेन्यू ऐड करेंगे फिर कंपेयर करेंगे उस साल की रेवेन्यू एस जीएसटी की कितनी हुई उस स्टेट की अगर उसको ज्यादा हुई रेवेन्यू तो कोई दिक्कत नहीं सर अगर उसको जीएसटी के अंदर रेवेन्यू कम मिली मतलब पूरे साल का जो कलेक्शन था एस जीएसटी का वो अगर कम था तो जितना अमाउंट कम था वो वेट से कंपेयर करने के बाद 14 परसेंट एड करने के बाद वेट की जो पंद्रह सोलह की रेवेन्यू थी प्लस प्लसेंट हर साल ऐड करेंगे उसको कंपेयर करेंगे रेवेन्यू साल का अगर वो कम थी तो उतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी किसको उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करेगी पर कंपनसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कैसा लाएगी साहब तो उसके लिए गवर्नमेंट ने और दिमाग लगाया और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो लोग सर महंगी महंगी कार खरीदते हैं सर टॉबेको सिगरेट्स तम्बाकू खाते तो ना बेटा आप लोग हाँ अरे आप तो साहब बिलीव नहीं करोगे आप देश के लिए कितनी रक्षा कर रहे हो बेटा अपनी जान दाव पे लगा के जो लोग सर सिगरेट बीड़ी तंबाकू ये खा रहे हैं। वो तो देश के लिए कितना बड़ा काम किया देखना समझ में आएगा आपको सर उन्होंने अपनी जान दाव पे लगा के सर सर उन्होंने क्या किया है गवर्नमेंट ने एक अलग से टैक्स लगा दिया उस पर मतलब सर तक और मोटर व्हीकल्स वगैरह पे टोबेको बेस्ड गुड सिगरेट वगैरह पे नॉर्मल जीएसटी तो लगता ही लगता एक अलग से जीएसटी लगाया जिसका नाम क्या रखा जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या नाम रखा साहब जीएसटी कंपनसेशन से नाम का अलग से एक टैक्स लगा दिया एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी या इंटरसेट सप्लाई पे आईजीएस लग रहा हो तो लग ही रहा है उसके अलावा एक अलग टैक्स और लगा दिया उसका नाम क्या है जीएसटी कंपनसेशन सेस कुछ गुड्स पर टोबैको तो सिगरेट्स आपने देखा भी होगा बेटा ना अबे हां कौन बोल रहा है सर तंबाकू सिगरेट एंड मोटर व्हीकल्स वगैरह पे सर इन्होंने जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्स्ट्रा और लगा दिया और उससे जो रेवेन्यू आएगी वो रेवेन्यू सेंट्रल उन स्टेट को कंपनसेट करने के लिए अलग से फंड बनाया हुआ है <coughs> उन स्टेट स्टेट की जिन की रेवेन्यू रेवेन्यू जिन कम हो गई जीएसटी आने के बाद एज कंपेयर टू वेट क्लियर उनको कंपनसेट करेगी उस फंड से मान लो सर किसी स्टेट का रेवेन्यू होता था जीएसटी के अकॉर्डिंग सर वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए मान लो सत्रह करोड़ मान लो फॉर एग्जाम्पल सत्रह हजार करोड़ चलो और जीएसटी आने के बाद हुआ कितना सर उस साल में मान लो पंद्रह हजार करोड़ हुआ और वेट के फॉर्मूला के हिसाब से सत्रह हजार करोड़ आना चाहिए तो दो हजार करोड़ उस स्टेट गवर्नमेंट को इस फंड में से निकाल के दिए जाएंगे तो सारे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे जिनको टेंशन थी कि हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी जीएसटी आने के बाद तो वो सब सर खुश हो गए बोला आन दो जीएसटी कोई दिक्कत नहीं है खूब खाओ तंबाकू सिगरेट पियो साहब कोई टेंशन नहीं है अरे मैं तो कह रहा हूँ ये जो तंबाकू खाने वाले हैं ये जो सिगरेट पीने वाले हैं ये अपनी जान पे दाव जान जान दाव पे लगा के ये उन स्टेट्स की रक्षा कर रहे हैं जिनको जीएसटी में लॉस हुआ है सर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी सो मेरा उनको प्रणाम है साहब सर वो देश के वो बोलते ना वीर जवान लोग है सर अपनी जान दाव पे लगा के देश के लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं सर सर इसलिए आप धन्य है बेटा जो भी सिगरेट तम्बाकू वगैरह खा रहे हैं ना बेटा माहौल अभी वो ढंग से पढ़ाई करो क्लियर समझे मेरी बात टोबैको और ये सब नहीं खाने का सर सर हाँ मोटर व्हीकल लेके आइए कोई दिक्कत नहीं है खूब कमाओ खूब उड़ाओ सर अब सर जीएसटी कंपनसेशन से लगाने के लिए, इन्होंने एक सेपरेट एक्ट बना दिया ये भी आपके सिलेबस में नहीं आता वो तो मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया क्लियर सर इसका नाम रखा जीएसटी का क्या जीएसटी ब्रैकेट में कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 ये इस एक्ट का नाम है साहब क्लियर तो अल्टीमेटली जीएसटी कंपनी सेस एक्ट नाम का एक अलग एक्ट बन गया एंड सर अगर देखा जाए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट टोटल 35 एक्ट बन गए साहब टोटल 35 एक्ट्स बन गए पर हाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है जीएसटी कंपनी सेस में भी ये लिखा हुआ है कि सी के सारे प्रोविजन यहां भी अप्लाई होंगे सर क्लियर आई एक्ट में केवल छोटा सा एक्ट है सर पच्चीस सेक्शन का एक, एक्ट है टो टोटल 25 ही टोटल पच्चीस सेक्शन है सर इसके अंदर और उसमें भी इंटरेस्टेड सप्लाई क्या होता है इंटरेस्टेड सप्लाई किसको कहते हैं सर कैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्लो होगी हो जो मैंने बताया ना अभी आपको इस एग्जाम्प के थ्रू ये सब आईजीएसटी एक्ट में भी लिखा हुआ है साहब क्लियर वैसे आईजीएसटी एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है छोटा मोटा कोई <coughs> पोर्शन अगर आएगा तो बता दूंगा अदरवाइज ये भी सिलेबस में आपके नहीं आता है मतलब सर इंटर लेवल पर बात करें तो सी एक्ट के कुछ सिलेक्टेड प्रोविजंस आपके सिलेबस में है पर मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया कि जीएसटी क्या होता है आई होप आपको बात समझ में बड़ा ही शानदार सेशन था बेटा ये वाला सर जिसके अंदर हमने बात करी कि सर कैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू फ्लो होगा सी जीएसटी एस जीएसटी और आई जीएसटी आपस में कैसे काम आते हैं सी और एस सी जीएसटी का क्रेडिट कभी भी एस जीएसटी में काम नहीं आएगा एस जीएसटी का क्रेडिट कभी भी सी में काम नहीं आएगा पर आई जीएसटी आई जीएसटी में भी काम आएगा सी में भी काम आता है और एस में भी काम आता है क्लियर सी का क्रेडिट सी में भी काम आता है और आई में भी काम आता है एस का क्रेडिट एस में भी काम आएगा और आई में भी काम आएगा सब क्लियर तो आई आईजीएसटी जो ना वो तो केवल सर पार्किंग फंड है सर आप देखो ध्यान से आई आईजीएसटी अकाउंट में अल्टीमेटली देखो लास्ट स्टेप पे हम बात करें तो फाइव लाख रुपए आईजीएसटी अकाउंट में गए थे सर और अल्टीमेटली इंटरसेट सप्लाई होकर जो परचेज करेगा उसने आई आईजीएसटी का आईटीसी लिया और सी और एस में काम लिया तो अल्टीमेटली आई आईजीएसटी अकाउंट में भी पैसा जीरो हो गया अल्टीमेटली फंड किसके पास रह गया तीन लाख का सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तीन लाख का स्टेट गवर्नमेंट के पास सो अल्टीमेटली रेवेन्यू डिवाइड होकर सीजीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया आईजीएसटी के पास तो जीरो रहता प्रैक्टिकली बात करें तो आईजीएसटी अकाउंट में फंड जीरो हो जाएंगे और अगर कुछ फंड आईजीएसटी अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाता है तो उसके लिए भी आईजीएसटी एक्ट में प्रोविजन बना रखे कि इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आधा आधा बांट देंगे उसका मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है तो अल्टीमेटली आईजीएसटी के लिए पार्किंग फंड है सर इंटरसेट सप्लाई के लिए पार्किंग फंड बनाया ताकि जिस स्टेट से गुड्स निकल रहा है वहां की स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेके फंड डाल देंगे आईजीएसटी अकाउंट में फिर जिस स्टेट में अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम हो रहा है उस स्टेट के सर सी, उस स्टेट के आईजीएसटी अकाउंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा वापस डाल देंगे सो अल्टीमेटली आईजीएसटी एक पार्किंग फंड है सर क्लियर रेवेन्यू तो मिलने वाला है फिफ्टी परसेंट सेंटर गवर्मेंट को फिफ्टी परसेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां गुड्स कंज्यूम हुई है सर्विसेज कंज्यूम हुई है बेटा क्लियर इसलिए जीएसटी को बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स माहौल के साथ सरकार आपको शायद ये बात समझ में आ गई कि, कि किस तरह से जीएसटी ऑपरेट होता है साहब क्लियर ये क्रेडिट का सिस्टम भी आपको शायद समझ में आ गया और शायद आपको यहां पे वो जो कॉन्से हमने पढ़ा था कि दस का क्रेडिट क्यों मिला वो यहां पे बहुत अच्छे से आपका इंप्लीमेंट हो गया मतलब अब आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं कि क्रेडिट क्या चीज होती है हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे दस का क्रेडिट क्यों मिला वो फंडा सी और एस में अपने आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ रहा है साहब क्लियर डन समझे इसलिए मैंने दस का क्रेडिट क्यों मिला मैंने वहां समझा दिया था आपको बेटा ताकि आगे आपको टेंशन नहीं आए बच्चों क्लियर डन तो सर अल्टीमेटली

आ, कैसे कैसे रेवेन्यू फ्लो होती है शायद समझ में आ गया और कौन कौन से एक्ट जीएसटी के अंदर बने टोटल थर्टी फाइव एक्ट बन गए साहब क्लियर पर हमको पढ़ना केवल सी जीएसएस टी है क्लियर पर मैंने बाकी भी आपको समझा दिया कि आखिर मेन मुद्दा क्या है जीएसटी का पूरा पिक्चर मैंने आपको दे दिया अच्छा एक बात आपको और समझा देता हूं बेटा मैं पर उससे पहले प्लीज 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 जस्ट हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड सर प्लीज सर जस्ट हैव अ क्लिक ऑफ दिस लाइट सर सरकार शायद बातें समझ में आ रही है सर आपको ओके माहौल सर है क्लिक ऑफ दिसड सो दैट यू नो आप अपने नोटबुक के अंदर इसको कॉपी कर पाओ और अगला एग्जाम्पल जो मैं आपको आपके सामने जो मैंने लिखा है उसको बहुत ध्यान से कॉपी करना साहब बहुत अच्छा पॉइंट था सर आइए मालिक प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड आराम से होले होले जल्दी मत करना सर यस सर मे बी स्माइल के साथ माहौल कीप काम एंड से माहौल पढ़ते रहिए खुश होके पढ़ते रहिए विच इज मोर इंपॉर्टेंट यस मालिक प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड ओके okay, सरकार क्लियर ये बड़ा ही शानदार हमने पढ़ लिया कि कैसे रेवेन्यू फ्लो होता है फ्रॉम स्टेट टू सेंट्रल स्टेट टू आईजीएसटी और आईजीएसटी से वापस स्टेट गवर्नमेंट के पास ओके क्लियर डन सर अब हम बात करते हैं एक और मस्त वाली सर हमने यहां तक बातें कर ली बहुत सारी कि जीएसटी क्या होता है जीएसटी की बेसिक फंडामेंटल रेवेन्यू फ्लो कैसे होता है जीएसटी काउंसिल क्या होता है सर किस तरह से एक्ट बनाया गया ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी हमने सारे पढ़ लिए सर डुअल मॉडल इकोनॉमी गवर्नमेंट की अपने इंडिया में भाई ड्यूअल सरकार है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसलिए ड्यूअल मॉडल जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जीएसटी इंडिया के अंदर सर ओके okay, अब सर एक बात और मैं कर लेता हूं आपसे लास्ट कि आखिर कौन कौन से मर्ज हुए जीएसटी में जब जीएसटी आया वोटोल टैक्सेज गोट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी उन सब एक्ट को तो आपको नहीं पढ़ना है वो पुराने टैक्स कौन कौन से थे वो समझने की जरूरत भी नहीं सर पर सर कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए उसकी लिस्ट जरूर हमको पता होनी चाहिए साहब वो हम पढ़ रहे हैं सर देखिए टैक्सेस इन जीएसटी मतलब कौन-कौन से टैक्सेस मर्ज हुए जीएसटी में सर क्लियर सर सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से हैं पहले वो देख रहे हैं. अब आपको ये नहीं पढ़ना कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज कौन कौन सी थी क्या थी वो उस, उतना नहीं बस आपको नाम ध्यान रखना सर एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिशनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट सर Uh, जो मेडिसिनल मतलब ये जो दवाई वगैरह होती ना सर उसके रिलेटेड जो गुड्स थे उस पर अलग से एक्साइज था वो क्या था कितना था वो सब नहीं पढ़ना सर सर्विस टैक्स मर्ज हुआ सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी सीवीडी मतलब होता था सीवीडी का फुल फॉर्म है काउंटरवेलिंग ड्यूटी काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये कस्टम्स जब आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो ना सब

इसलिए इनपे पुराने एक्ट पुराने कानून पुराने लॉज ही लगते हैं अभी भी क्लियर प्लस टोबेको एंड टोबेको प्रोडक्ट ये तो सर देश के वो जवान लोग है साहब जो अपनी जान दाव पे लगा के बस टैक्सेस दे रहे गवर्नमेंट को सर इन पे पता है टोबेको एंड टॉबेको प्रोडक्ट पे जीएसटी भी लगता है एक्साइज भी लगता है सर और इस पे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है भाई साहब क्लियर और देखो ये तो हमने पढ़ पढ़िए सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस अब पढ़ रहे क्या स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस सब शिव हुए जीएसटी में सबसे सब पहला स्टेट सर चार्जेस एंड इन, इन सो फार इज रिलेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज बाय लोकल बॉडीज सर मूवी देखने के क्या लगता था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट टैक्स वो भी मर्ज हो गया सर टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग गैमलिंग अरे जुआ खेलते थे बेटा हाँ कौन बोला ये जुआ खेलने पर पहले स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगता था बेटा वो भी मर्ज हो गया जीएसटी के अंदर हम बात करेंगे इसके बारे में आगे और एंट्री टैक्स ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स सारे फॉर्म्स ऑफ एंट्री टैक्स मर्ज हो गए परचेज टैक्स अगर कुछ स्टेट में था, था वो भी मर्ज हो गया वेट और सेल्स टैक्स जो सबसे बड़ा मेजर रेवेन्यू था वो मर्ज हुआ सर लग्जरी टैक्स जैसे होटल्स वगैरह हो होते थे ना लग्जरी होटल्स उन उनपे लग्जरी टैक्स और लगता था सर टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट ये सब मर्ज हो गए सर अब वो कैसे लगता था क्या लगता था वो याद नहीं करना ये सब मर्ज हुए अब क्या क्या मर्ज नहीं हुए सर दारू कभी पी बेटा अभी पी मतलब ना नशेड़ियो पेवड़ो सर दारू पे बताए हम आगे पढ़ेंगे जीएसटी अभी भी नहीं लगता सर दारू इज केप्ट आउट ऑफ द जीएसटी क्यों क्योंकि दारू पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं था दारू पे स्टेट एक्साइज था जो अभी भी है दारू पे वेट था वो अभी भी है सर देन देना दारू पे सेंट्रल एक्साइज भी था वेट भी था और दोनों ही रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की थी इसलिए उसको जीएसटी में मर्ज नहीं किया क्यों अगर जीएसटी में मर्ज करते फिफ्टी परसेंट रेवेन्यू देना होता सेंट्रल गवर्नमेंट को 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को और अभी बिफोर जीएसटी दारू पे सारा ही रेवेन्यू किसको मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है एक्साइज का रेवेन्यू भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसमें और वेट का भी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का होता है इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी अगर दारू को हम जीएसटी में ले आएंगे तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुम अकेले पियो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला हम वैसे भी दारू नहीं पीते साहब क्लियर तो अभी भी स्टेट एक्साइज ऑन एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ओपियम इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स इस पर अभी भी स्टेट एक्साइज लगता है साहब ये मर्ज नहीं हुआ सेल्स टैक्स ऑन फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई पेट्रोल डीजल वगैरह एंड एल्को लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सर एल्को लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे अभी टैक्स भी है मतलब वेट भी है और स्टेट एक्साइज भी बेटा ओके सर प्रोफेशन टैक्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी टोल टैक्स रोड एंड पैसेंजर टैक्स ये कुछ भी मर्ज नहीं हुए अच्छा टोबेको एंड टोबेको प्रोडक्ट पर सेंट्रल एक्साइज लगता है साहब पर सेल्स टैक्स नहीं लगता है उस पर अभी टोबेको एंड टोबेको प्रोडक्ट पे सेल्स टैक्स को मर्ज कर दिया जीएसटी में टोबेको एंड टोबेको प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है जीएसटी कंपनसेशन सेल्स लगता है वेट नहीं लगता क्लियर सर दारू पे स्टेट एक्साइज लगता है दारू पे वेट सेल्स टैक्स लगता है साहब जीएसटी नहीं लगता पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है और वेट सेल्स टेक्स लगता है बच्चों क्लियर डन समझे मेरी बात माहौल ये कौन कौन से टैक्सेस सबसे जीएसटी में कौन कौन से नहीं हुए इसकी हमने एक लिस्ट पढ़ ली ये लिस्ट आप भी जस्ट so है okay? तो कौन कौन से टैक्सेज मर्ज हुए ये भी हमने बात कर ली कौन कौन से टैक्सेज मर्ज नहीं हुए ये भी हमने बात कर ली सर और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें और समझ में आएगी जीएसटी शुरू हुआ है अभी तो पिक्चर बाकी मेरे दोस्त मत बोलना अभी तो पिक्चर चालू ही है मेरे दोस्त सरकार चलिए सर इसी के साथ सेशन को क्लोज करते हम ये वाले पर हां सेशन के अंदर बहुत ही सुंदर बात पढी कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए जीएसटी के अंदर प्लस हमने ये बात भी कर ली कि सर कैसे रेवेन्यू फ्लो होता है गवर्नमेंट का सी जीएसटी एस जीएसटी का आई टी सी आई में काम आता है आई जी एस टी क्रेडिट सी और एस में भी काम आता है साहब एंड सी और एस का क्रेडिट आपस में काम नहीं आता कैसे रेवेन्यू फ्लो होता है प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन लेके हमने बात कर ली और सर थर्टी फाइव एक्ट बने जीएसटी के अंदर पर हमको एक ही पढ़ना है सी जीएसटी एक्ट वो अगर हमने पढ़ लिया तो सारे एक्ट हमको वैसे भी समझ में आ जाएंगे और सर इसी के साथ भारत माता की जय सर कीप काम सेम माहौल अच्छे से पढ़िए खुश होकर पढ़िए ये बेसिक ऑफ़ जीएसटी मैंने आपको सारे लगभग लगभग कवर करा दिए साहब अब अगले लेक्चर से एक्चुअल जीएसटी एक्ट हम शुरू करने वाले हैं, तो लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम जीएसटी का काम सरकार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर माहौल के साथ खुश होकर पढ़िए माहौल जबरदस्त शानदार बबाई टेक केयर लव यॉट